आज हम जिसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है सियामो की डिजिटल क्लॉक। इस क्लॉक में जैसा कि कंपनी क्लेम करती है टेम्परेचर के फीचर्स हैं, बाकी जो नॉर्मल चीज़ें घड़ी में रहती हैं एक नॉर्मल वॉच में, वो सब कुछ आपको अवेलेबल मिलेगा इसमें, सॉरी क्लॉक में। टेबल पर रखने के लिए सबसे सूटेबल है ये, और बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई चौड़ाई भी नहीं है, बहुत छोटी है। छोटी सी पर्ची हमें मिली है, थोड़ी सरप्राइजिंग है ये। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इस पर लिखा है कि थैंक यू फॉर योर परचेज़, और इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि इन केस इस प्रोडक्ट की अगर आप फीडबैक करते हैं, 5 स्टार फीडबैक करते हैं, तो आपको 100 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है इसमें। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि ये प्रोडक्ट की कंपनी की तरफ से है या फिर फ्लिपकार्ट से। जैसा कि मुझे लगता है कि ये फ्लिपकार्ट की तरफ से ही है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की तरफ से होता तो ये बॉक्स के अंदर होता। स्मार्ट ऑप्टिकल ब्लैक लाइट वॉच है ये। कलर्स ये सारे अवेलेबल में हैं, जो इन बॉक्स के अंदर जो आपको प्रोडक्ट है ये ब्लैक कलर का है, जैसे कि यहाँ पर ठीक है। और भी प्रोडक्ट्स के कलर अवेलेबल हैं, लेकिन जो मेनली जो कलर मुझे दिखे, मेड इन चाइना है ये, मेनली जो कलर मुझे दिखे हैं फ्लिपकार्ट पे वो सिर्फ वाइट, ब्लैक और ग्रीनिश में है। आइए बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। पैकिंग तो कुछ खास नहीं लगी इसकी मुझे, क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो पैकिंग थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए थी। एक और यहाँ पे नॉर्मली जैसा कि मैनुअल होता है इसमें आपको, जैसा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट थी तो चाइना की लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मिलेगा। मैनुअल्स इसमें आपको क्या कैसे कंट्रोल्स आप कर सकते हैं वो सब मिलेगा। मेनली जो हमारा फोकस है, जिसके हमने लिए पैसे खर्च किए हैं, ये सबसे पहले इस पर नज़र डालते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी तो मुझे नहीं लगी इस पर। एक हल्की सी लेमिनेशन कह सकते हैं लगा हुआ है, जो हल्का संपड़ा हुआ है, शायद वो इसलिए कि अगर आप इसको निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। बाकी प्रोडक्ट का टच बहुत कुछ खास नहीं लगा मुझे, प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। पीछे कुछ कंट्रोल्स दिए हमें, यहाँ पे ऑन ऑफ के कंट्रोल्स हैं, सेंसर है, अलार्म ऑन ऑफ है, और मंथ और ईयर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से लाइट एक जलती है, अलार्म को स्नूज कर सकते हैं। उसमें 3 बैटरी लगेगी, 2 बैटरी तो नॉर्मल वॉच क्लॉक को चलने के लिए है, तीसरी बैटरी से आप जो सेंसर होता है उसका फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ से आप अलार्म टाइम ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपने क्लॉक को सेट कर सकते हैं पूरी तरह से। और भी कुछ वहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। अब आइए इसमें जल्दी से बैटरी लगा के देखते हैं। जैसा कि 3 बैटरी इसमें लगती है, मेरे पास 2 ही बैटरी अवेलेबल है, तो फ़िलहाल के लिए अभी इसी को ला के देखते हैं, कि क्योंकि चाइनीज़ का प्रोडक्ट है तो देखते हैं पहले चलता है कि नहीं। थैंक गॉड ये चल रहा है ठीक ठाक बिल्कुल। यहाँ मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई कि अगर इसके स्क्रीन पे टच का फीचर दिया तो शायद ज़्यादा ईजी होता, क्योंकि अभी मैं इसके बटन के बारे में बताऊँ तो बटन इसके उतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि बटन जैसे लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। वैसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंगली जितने भी पैसे लगे, थोड़ा सा बटन और अच्छा होना चाहिए था। और मेरा इसमें एक सजेशन ये रहेगा कंपनी के लिए कि इन केस जैसे कि जो बटन है, अगर वो वन प्रेस पे ही उसके जो डिजिट्स हैं वो ऊपर नीचे होते रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार हम उसे प्रेस करते हैं तो एक डिजिट आगे बढ़ता है। तो ये थोड़ा सा इसका मुझे ड्रॉबैक लगा, और प्रोडक्ट की टच और ज़्यादा वेट नहीं है इसका। और पीछे से कंट्रोल्स आपको देख के आपको सेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस आने वाली है, क्योंकि आप पीछे देखेंगे फिर सेट करेंगे, और थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आप फेस करेंगे कि कहाँ से इसका टाइम, सेकंड और अलार्म और बाकी के जो डेट और ईयर हैं कहाँ से हम सेट करें, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। थोड़ा सा आपको समझने में टाइम लगेगा इसको, एक बार आप समझ जाएंगे तो इजीली आप इसको कर पाएंगे। और यहाँ पे इसके पीछे आप देख सकते हैं स्पीकर भी लगे हुए हैं, ये स्पीकर छोटे स्पीकर हैं जिसको आप अलार्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ख़ास मुझे तो ये प्रोडक्ट नहीं लगा, बट इन केस अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।